मोम और बहन हाल ही हैं। वी आर हेडिंग फॉर ब्रेकफास्ट। थैंकफुली बारिश बंद हो गई और अच्छी खासी धूप निकल रही है, सो वील हैव अ गुड टाइम एट द बीच। हालांकि वेदर फोरकास्ट आज भी बारिश दिखा रहा है। मेन्यू ब्लैंक है, कुछ लिखा ही नहीं इस पे, पता नहीं खाने में क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन्यू में दाल वड़ा, सांभर, डोसा, मैगी, चपाती, पूरी, सारा कुछ वेजिटेरियन है। मम्मी के तो मज़े हो गए हैं। बेसिकली मैंने अभी प्लेट में एक ये दाल वड़ा डाला है, प्लेन डोसा है जिसमें कि अंदर कुछ मसाला वगैरह है नहीं, और ये चम्मच का साइज़ देखो और कटोरी का साइज़ देखो, मतलब शायद इम्बैलेंस हो गई, गिरी पड़े कटोरी में, यहीं रख लेता हूँ इसको। आज हमारा डे टू है आइटेरी का। कल तो हमने लैंडिंग करा था अंडमान में, कल हमारा डे वन था। अनफॉर्चुनेटली कल सेंट्रल जेल और लाइट एंड साउंड शो हम अटेंड कर नहीं पाए बिकॉज कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, एंड सेंट्रल जेल जो है वो ओपन है, इनक्लोज नहीं है, और लाइट एंड साउंड शो भी किसी इनक्लोज ऑडिटोरियम में नहीं होता, वो भी एक ओपन स्पेस में होता है। तो जब बारिश होती है तो दे डू नॉट कंडक्ट इट। तो प्लान ये है कि आज करेंगे। सो मॉर्निंग में अभी हम निकल चुके हैं, इट इज़ 9:10 AM। वील स्टार्ट विद रॉस आइलैंड, देन वील कवर नॉर्थ बे। नॉर्थ बे के अंदर सुना है कि स्नॉर्कलिंग होती है, एंड आई जस्ट होप कि बारिश ना हो, मौसम अच्छा रहे, बिकॉज बारिश अगर हो जाए तो फिर कुछ व्यू नहीं मिलता अंडर वाटर। नॉर्थ बे के बाद अगर हम टाइम से निकल जाते हैं देन वील कवर सेंट्रल जेल, बिकॉज उसमें द कंडीशन इज़ कि 4 बजे वो बंद हो जाता है, तो 4 PM से पहले वी हैव टू एंटर, एंड 4:30-4:40 पे वहाँ से बाहर निकलना होता है, वहाँ पे भी कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। देन उसके बाद इवनिंग में 6:30 PM का शो हम देखेंगे, लाइट एंड साउंड शो जो है सेंट्रल जेल का। सो ये है आज का प्लान, एंड इन केस सेंट्रल जेल आज मिस हो जाता है, हम टाइम पे नहीं वापस आ पाते हैं, देन वील प्लान दैट विजिट टुमारो। सो वी रीच्ड फीनिक्स में, एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश दोबारा शुरू हो गई है। यहाँ से वील टेक अ फेरी टू रॉस आइलैंड। ये बोट आ गई हमारी, MV मोहित नाम है इसका। सो इसमें हम जाएंगे, एंड इससे हम एक उसमें जाएंगे सेमी सबमरीन में, विच हैज़ अ ग्लास बॉटम, वो भी दिखाऊंगा मैं, एंड दैट विल टेक अस टू रॉस आइलैंड। तो फाइनली वी आर ऑन बोर्ड मोहित। मॉम डैड को भी विजिबिलिटी देते दे रहे हैं, वरना सोचेंगे कि खुद ही कैमरे में आता रहता है, हमें कवर नहीं करता। ओके, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं। काफी ज्यादा ब्राइट आ रहा है कैमरे के अंदर, मुझे तो ठीक नजर आ रहा है। एक सेकेंड, स्काई सो ब्लू। एक्चुअली इसमें थोड़े टिंटेड ग्लासेस हैं इसलिए स्काई उतना ज्यादा ब्लू नजर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो बंदा दिल्ली NCR से आ रहा है उसके लिए तो ये बहुत है। अभी इसमें अंदर कैबिन में से बाहर निकल के मैं सोच रहा था, ये जो डोर है यहाँ पे, कि मैं बाहर से एक अच्छा व्यू लेता हूँ, बट इसमें बाहर रेलिंग नहीं है एंड काफ़ी बारिश हो रही है, तो पूरा फ्लोर स्लिपरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्लिप होकर सीधा पानी के अंदर ही गिर पड़ूँ, तो वीडियो दही रह जाएगी। तो अभी वंस दी बोट इज़ मूविंग आई वोंट टेक एनी चांस। एक बार वंस वी रीच एंड दी बोट इज स्टेशनरी मैं तब ये रिस्क ले लूँगा। यू कैन सी एक फ्लोटिंग डॉक है, एक वाइट कलर का शिप जो है दैट इज गेटिंग रिपेयर्ड ओवर हियर इन दिस फ्लोटिंग डॉक। यहाँ राइट साइड में मरीन ड्राइव है, जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है वैसे यहाँ पे भी एक मरीन ड्राइव डेवलप हो रही है पूरी की पूरी, एंड वहाँ सामने एक आपको पोल नजर आएगा छोटा सा, मतलब यहाँ से तो छोटा है वैसे तो काफ़ी बड़ा है, सो दैट इज़ कॉल्ड दी फ्लैग पॉइंट। जूम करने में प्रॉब्लम ये कि कैमरा थोड़ा सा भी हिले तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, वो जो नज़र आ रहा है वहाँ पे दैट इज़ दी फ्लैग पॉइंट। ये मैं थोड़ा सा यॉट में इस बोट में बाहर की तरफ आया हूँ, एंड मुझे लगा कि मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू शेयर करता हूँ।
सामने जो आइलैंड नजर आ रहा है यही है रॉस आइलैंड, एंड ये रॉस आइलैंड का लाइट हाउस है इस तरफ। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, दिस वन, दिस इज द लाइट हाउस, एंड ये आइलैंड है सामने हमारे। सो फाइनली हम लोग उतर गए हैं इससे, बोट से, एंड वी हैव रीच्ड रॉस आइलैंड। एक बार मैं इसका एक पैनोरामिक व्यू दिखा देता हूँ किस तरह का है पीछे से। हवा काफ़ी चल रही है तो आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही होगी। ये पीछे मेनलैंड है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है सी थोड़ा सा रफ है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा रेन हो रही है उनकी वजह से। बोट थोड़ी पीछे चली गई है, इट विल स्टे ऑन एंकर। तो बोट को यहाँ पे लगाना जेटी के पास भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है, कभी इधर कभी उधर। तो पानी कितना साफ है। इनफैक्ट जब मैं बोट से आ रहा था तो मैं देख रहा था, ये देखो ये प्लास्टिक की बॉटल फेंकी हुई है किसी ने, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, किसी ने चिप्स का पैकेट फेंका हुआ है, किसी ने कोका कोला का कैन फेंका हुआ है। मतलब यार टूरिस्ट, इतनी अच्छी जगह है, इतना साफ पानी है, बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा। यहाँ भी लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। ओह इंडिया का फ्लैग, ये देखो एक डियर पार्क है ये। ओके पीछे डियर है, ये नज़र आ रहा है पीछे। सो ये रॉस आइलैंड जो है इसका पूरा चक्कर, ये भैया इसको कार्ट को चला रहे हैं, हेलो भैया। ये इसका पूरा चक्कर 1.5 किलोमीटर का है। और कितनी देर लगती है इसको कवर करने में सारे को? 40 to 45 minutes में सारा कवर हो जाएगा। ओ डियर का बच्चा भी है यहाँ पे छोटा सा, कितनी आराम से खड़ा है ना, कोई डर नहीं कि कोई शेर आके खा जाएगा, कोई मार जाएगा, आराम से खड़े घूम रहे हैं पैम्पर्ड। रॉस आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है, 200 feet अबव द सी लेवल है ये, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इस छोटी सी कार्ट के अंदर हम आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। ये एक एंकर है, नेवी की निशानी। ये पूरा समुंदर है पीछे मेरे, उधर नीचे एक लाइट हाउस है, वहां से काफी अच्छा व्यू आता है। अब वहां ले जाके व्यू दिखाता हूँ मैं, है वो दिस इज दैट लाइट हाउस जिसकी मैं बता रहा था कि यहाँ से व्यू काफी अच्छा नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है, यहाँ छुपने की कोई जगह नजर नहीं आ रही, एंड उस पॉइंट पे जाके मेरे को थोड़ा फोटोग्राफी करनी थी। फाइनली थैंक गॉड बारिश बंद हो गई है, एंड बारिश बंद हुई तो फ़ोन जो कि अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसका कैमरा ऐप बार बार हैंग कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट्सएप ये वो फाइल्स गैलरी सब कुछ सही है, बट कैमरा ऐप के अंदर बार बार इशू हो रहा था। फाइनली इसको रिस्टार्ट किया है, क्लियर ऑल करी हैं सारी ऐप्स, एंड अब जाके फ़ोन के नखरे ख़त्म होने के बाद अब जाके वीडियो शूट कर पाया हूँ मैं। सो मैम मॉम डैड ऑलरेडी वहाँ लाइट हाउस के पास हैं, एंड मैं उसी तरफ जा रहा था। मैं यहाँ इसलिए खड़ा था बिकॉज मुझे ये व्यू दिखाना था। पानी इतना क्लियर है यहाँ का समुंदर का कि नीचे जो रॉक्स हैं और जो ये थोड़ा सा सी बेड है, कितना क्लियर है। आई मीन द वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट। उधर सामने से पापा ऐसे फोन लेके ना ऐसे पोज बना रहे थे, मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ा हुआ था, आई थॉट वो मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, और बाद में रियलाइज हुआ कि वो खुद की सेल्फी ले रहे थे अपनी और मॉम की। अच्छा दूर से मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मैं सीधा लाइट हाउस तक जाऊँगा, बट आई थिंक ये लो टाइड के अंदर पॉसिबल है। अभी ये पूरा रास्ता पानी से कवर हो रखा है, एंड ये तो मतलब यहीं तक है बस ये रास्ता यहाँ पे ना, ये जो मैंने अभी दिखाया ये यहाँ के आके यहाँ ख़त्म होता है। एक्चुअली मूड तो मेरा ये था कि मैं लाइट हाउस में ऊपर तक जाके फिर एक पिक्चर लेता, आई डोंट नो वो अलाउड होता कि नहीं। ये देखो पैरासेलिंग हो रही है वहाँ पे, वो देखो। एक तो इस फोन के अंदर एक बहुत बेकार फीचर है कि आई कैन नॉट फ्लिप दी कैमरा, जब मन करा फ्रंट ले लिया रेयर ले लिया। रिकॉर्डिंग फ्रंट से करो तो सिर्फ फ्रंट ही रहता है, रेयर से करो रेयर ही रहता है। आई कैन नॉट फ्लिप, तो मैं कोई चीज़ सामने से बताता हूँ ना तो मुझे ऐसे करके दिखाना होता है। एनीवे वो सब छोड़ो, लेट्स एंजॉय द व्यू।
अच्छा यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टैचू है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दूर से दिख रहा था, इसने बताया नहीं इसके बारे में। सो ये बेसिकली इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऑल दी सेलर्स एंड नेवल ऑफिसर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउडली सेल्यूट दी मेमोरी ऑफ शिप मेट्स, तो उसके लिए ये देखो। इसकी एक फोटो ही ले लेता हूँ मैं। वो जो स्टैचू है उसका नाम है दी लोन सेलर, मैंने ध्यान नहीं दिया जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे ना, एक्चुअली मैं भागता हुआ गया था तो ये स्किप हो गया था, तो बिल्कुल लगा मैं कवर कर देता हूँ। ये म्यूजियम है यहाँ पे रॉस आइलैंड का, इसमें फोटोग्राफ्स हैं अभी तो फिर भी चारों तरफ सारे रुइंस हैं, बट अंदर फोटोज हैं जिनसे ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनली जो स्ट्रक्चर्स थे वो किस तरह के थे। आई जस्ट वॉक यू अराउंड और ज़रा इंडियंस के एंड ब्रिटिशर्स के लाइफस्टाइल में डिफरेंस देखना। ये एक फ्रीडम फाइटर है शेर अली जी, इनकी फ़ोटो है। ये जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे ये थे इस तरह से, इंडियन बाज़ार। ये जो कमिश्नर का बंगला था उस टाइम उसकी फ़ोटो है, और भी फ़ोटोज़ हैं उसकी। ये यहाँ पे ये सेलुलर जेल है जो कि आई थिंक पोर्ट ब्लेयर में है। एक चर्च बाहर की साइड है, वो अभी तो टूटा हुआ है। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स की फोटो, कितना डिफरेंस था ब्रिटिशर्स की और इंडियंस की लाइफ में। एक तरफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और एक ये ब्रिटिशर्स का पिकनिक। ये डाइनिंग हॉल था कमिश्नर के बंगलों का, ये स्विमिंग पूल था उनका, ये प्रेजेंट कंडीशन है चर्च की जबकि एक जमाने में ऐसा हुआ करता था। हमारे साथ ये जो अब्दुल है, ही 23 इयर्स ओल्ड एंड ही इज फ्रॉम असम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 6 महीना। कितना? 6 महीने। ओके, 6 महीने से यहाँ पे। और कैसे आए यहाँ पे? सर मैं एक फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड लेके आए, मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है ना। ट्रेन का इधर 6 साल 7 साल हो गया। क्या हो गया? 6 साल 7 साल। अच्छा, तो यहाँ खाने पीने का कैसे होता है मैनेज? ये तो एक छोटा सा आइलैंड है, बाहर से आती चीज़ें। हम लोग पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। अच्छा, तो आपका यहाँ टाइमिंग है? हाँ टाइमिंग है, सुबह 9 बजे आता हूँ। हाँ हाँ, और शाम को चले जाता हूँ 6 बजे। शाम को 6 बजे। ओके, तो पोर्ट ब्लेयर में कहाँ पे रहते हो? कंपनी ने कुछ दिया हुआ रहने के लिए? हाँ, ये जो गाड़ी का मालिक है ना। हाँ हाँ, मालिक ने रूम दिया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये जो हमारी ये गोल्फ कार्ट है जिसको जिसमें हम चल रही है, बेसिकली किसी प्राइवेट एंटिटी की है। सो देयर इज अ पर्सन जिनकी 7 गोल्फ कार्ट चलती हैं, देन देयर इज अनदर बिजनेसमैन जिनकी 3 गोल्फ कार्ट चलती हैं, एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। अदरवाइज ये जो रॉस आइलैंड है ये पूरा इंडियन नेवी के कंट्रोल में है। हाउएवर टूरिज्म अलाउड है यहाँ पे। रॉस आइलैंड का विजिट पूरा हुआ। अभी ये पीछे जो आइलैंड नज़र आ रहा है वो नॉर्थ पे है, नेक्स्ट वहाँ पे जाना है। ये मैरून सूट में जो लेडी है शी इज़ दी 4th जनरेशन पर्सन टू स्टेज हियर इन रॉस आइलैंड। इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं, ये यहीं की इनहेबिटेंट है।